इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर हम परमानेंट नोटिफिकेशंस को कैसे बंद या फिर चालू कर सकते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन से, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा, और यहाँ पर हम रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आप ये प्रोसेस इजीली कर पाएंगे। और फिर थोड़ी सी नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर परमिशंस मिलेगी, तो परमिशंस को भी खोल लेना है। और यहाँ पर आपको फिर अदर परमिशंस मिलेगी, तो अदर परमिशंस को भी खोल लेना है आपको। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स का सेक्शन मिलता है। जैसे साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको परमिशंस का सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट नोटिफिकेशंस दिख जाती है सबसे नीचे, तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर टिकटॉक मिल जाएगी। तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं एक्सेप्ट होता है तो ये चालू होता है, और जैसे इसको डिने करते हैं तो ये बंद हो जाता है, क्रॉस का निशान इस पर लग जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है परमानेंट नोटिफिकेशंस को, जो परमिशंस है उसको बंद करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।